उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपनी पुत्र वधु के साथ बुरा काम करने के बाद आरोपी ससुर ने विरोध करने पर अपने ही पुत्र की हत्या कर दी थी और लाइसेंसी राइफल लेकर फरार हो गया था। बलात्कारी और हत्यारा ससुर बीरेंद्र घटना के 3 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। बलात्कार पीड़िता पुत्र वधु और पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी के पास 2 लाइसेंसी हथियार हैं, जिसमें एक पिस्टल तो पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन घटना का मुख्य आरोपी राइफल अपने साथ लेकर फरार हुआ है और वह धमकी देते हुए गया था कि जिसकी वजह से पीड़ित परिवार अभी भी खौफ में है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित का कहना है कि वह पुलिस से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। मेरी बहन भी सहमी हुई है, हमारा पूरा परिवार, 2 भाई हैं हम, एक भाई मेरा छोटा है, हम पूरे परिवार डर से जी रहे हैं। अभी भी मैंने रात भी मैंने डॉक्टर साहब उनको फ़ोन करा था, दरोगा जी को फ़ोन करा था, उन्होंने लैपट भेजी मेरे घर, लैपट लगी हुई है, चक्कर काटती है बार बार हर आधे 1 घंटे बाद, लेकिन वो पता नहीं क्यों गिरफ्तार नहीं हो पा रहा, बात समझ में नहीं आ रही, डर का बहुत माहौल बना हुआ है। वो ड्यूटी पे जब गए थे, घर से ड्यूटी पे रहते थे तो उनकी राइफल ड्यूटी पे ही रहती थी और वो राइफल ड्यूटी से लेके फरार हैं। और मुझे एक जानकारी और भी मिली है, जहां वो काम करते थे वहां से 4,000 रुपये भी उन्होंने लिए हैं, वो राइफल उन्हीं के साथ थी, मुझे ये जानकारी मिली। अभी मैक्सिमम 9 या 10 महीने हुए हैं। तो अभी पूरा परिवार कहां है आपका? मैं अपनी बहन को अपने घर ले आया हूं, क्योंकि जो पिता अपने बेटे को मार सकता है वो हमारी बहन को कैसे छोड़ देगा। इस संबंध में जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है और एक आरोपी को पकड़ के पहले ही जेल भेज दिया गया है, जो दूसरा इसमें आरोपी मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के पूर्ण प्रयास चल रहे हैं और टीम लगी हुई है, उसकी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो महिला है और उसकी जो बहू है, दोनों के जो निवास स्थान है वहाँ पे पुलिस ने मौके की मामले की संवेदनशीलता देखते हुए पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना न होने पाए। अभी तक जितना निकल के सामने आया है, 2 लाइसेंसी असलों का आया है, एक राइफल और एक पिस्टल। पिस्टल तो जो मौके में घटना में इस्तेमाल हुई थी वो बरामद हो गई है। जो आरोपी है उसके पास से, उसके घर से अभी राइफल नहीं मिली है, तो वो बरामदगी अभी शेष है और अभियुक्त को गिरफ्तार शीघ्र किया जाएगा। साथ ही दूसरा असला अगर कोई है उसको भी कब्जे में लिया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो असला जो घटना में प्रयुक्त हुआ है वो लाइसेंसी असला था और इसका दुरुपयोग हुआ है, तो उसका निरस्तीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।